अभिषेक कुमार, आप हैं बिहारी न्यूज के साथ और हम आज आपके लिए लेकर आए हैं आज दिन भर की बिहार की 10 बड़ी खबरें। बिहार बोर्ड के इंटर का परिणाम जारी कर दिया गया है। आर्ट, साइंस और कॉमर्स यानी तीनों स्ट्रीम का एक साथ परिणाम जारी कर दिया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब मार्च में बिहार बोर्ड ने रिजल्ट जारी किया है और ऐसा करके बिहार बोर्ड ने इतिहास रच दिया है। इस बार बिहार के बाहुबलियों ने चुनाव मैदान में टक्कर देने के लिए अपनी पटनियों को खड़ा किया है जिससे कि यह मुकाबला और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाए। दो बाहुबलियों की पत्नियां बिहार के सिवान में इस बार आमने सामने होंगी। अप्रैल से शुरू होगी इंटर रिजल्ट की स्क्रूटनी। 5 अप्रैल से भरा जाएगा कंपार्टमेंटल का फॉर्म। जो लोग अगर रिजल्ट में जिनका नहीं आया है वो निराश ना हो और कंपार्टमेंटल का फॉर्म भर सके। देश के 4.75 करोड़ किसानों को अप्रैल महीने से 2000 रुपए की किस्त मिलनी शुरू हो जाएगी। किस्त का पैसा सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में पहुंचेगा। बिहार पुलिस के हाथ एक और बहुत बड़ी कामयाबी आई है जिससे कि कई ब्रांडेड सहित अन्य नकली दवा खानों का भंडाफोड़ हुआ है, जहां से भारी मात्रा में कई सारी कंपनियों के कच्चे माल के साथ उनके रैपर एवं अन्य सामान मिले हैं जिनकी कीमत लगभग 10 लाख आंकी जा रही है। बिहार जिले के सासाराम देश के गिने चुने VIP निर्वाचन क्षेत्रों में से गिना जाता है। यहाँ से देश की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार चुनाव लड़ती है। अभी वर्तमान में यहाँ से NDA के छेदी पासवान सांसद है। मुजफ्फरपुर बालिका कांड के बड़े आरोपी ब्रजेश ठाकुर सहित कई आरोपियों को सजा सुना दिया गया है। दिल्ली के साकेत कोर्ट के मामले में इस मामले में सुनवाई हुई थी। साकेत कोर्ट ने सभी आरोपियों के आरोप तय कर दिए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने लोकसभा चुनाव को लेकर 10 मार्च को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि पूरे देश में 7 चरणों में चुनाव होंगे जबकि मतगणना 23 मई को होगा। बिहार बोर्ड ने 12वीं का रिजल्ट ऐलान करते हुए बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा कि इस बार जो छात्र परिणाम से संतुष्ट नहीं है वो बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 12 अप्रैल तक स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार बोर्ड ने 12वीं का परिणाम का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा कि मैट्रिक यानी 10वीं का परिणाम भी 1 सप्ताह के अंदर ऐलान कर दिया जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आगे शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल बटन को क्लिक कीजिए ताकि हम जो भी आगे वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।